नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे IPL 2019 से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, IPL 2019 का जो 12वां संस्करण 12 मई 2019 को समाप्त हुआ है, उसका दोस्तों समापन कहाँ पर हुआ, किस स्टेडियम में हुआ, कौन सी टीम विजेता रही, IPL से संबंधित इसकी शुरुआत कब हुई, अब तक कितने संस्करण इसके पूरे हो चुके हैं, ऐसी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद में हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसका लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाकर आप दूसरे वीडियो में इस वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी का एक लाइव टेस्ट लिया जाएगा। तो उस लाइव टेस्ट आपको जरूर देना है। तो लाइव टेस्ट से आपको पता चल पाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन उस 30 क्वेश्चन में से सही हो रहे हैं। तो उसका लिंक भी आपको दोस्तों नीचे मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में दोस्तों IPL 2019 का यह 12वां संस्करण था, यानी 12वां सीजन था। तो इसमें दोस्तों देखते हैं कि IPL की शुरुआत कब हुई, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो IPL की फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं। तो एक नज़र देखते हैं हम ऑल टाइम IPL पर। तो IPL एडमिनिस्ट्रेशन, तो IPL जो ऑर्गेनाइज करवाता है वह कौन करवाता है। पहले दोस्तों IPL की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। जो ऑर्गेनाइज करवाता है दोस्तों कौन, BCCI, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। BCCI इसको ऑर्गेनाइजेशन इसका आयोजन करवाता है। अगली जानकारी दोस्तों देखते हैं कि ये फॉर्मेट कौन सा है। तो ये वनडे फॉर्मेट नहीं है, टेस्ट नहीं है, ये T20 फॉर्मेट है, यानी 20 ओवरों का मैच होता है। नेक्स्ट दोस्तों टूर्नामेंट, तो ये डबल राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट है। इसका फर्स्ट एडिशन यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, था कौन सी टीम विजेता रही थी। तो दोस्तों इसका जो फर्स्ट एडिशन है वह दोस्तों 2008 में शुरू किया गया, यानी इसका फर्स्ट एडिशन 2008 में आया था, जिसकी चैंपियन रही थी राजस्थान रॉयल्स, जो अभी तक एक ही IPL का खिताब जीत चुकी है। वह था 2008 का पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। तो दोस्तों लास्ट एडिशन यानी जो अंतिम एडिशन हुआ वह कब हुआ, वह दोस्तों हाल ही में अभी भी 12 मई 2019 को हुआ है। जो 12वां संस्करण था इसकी चैंपियन कौन सी टीम रही है दोस्तों, इसकी चैंपियन रही है मुंबई इंडियंस है। वह जो लास्ट एडिशन रहा है 2019 का, उसकी चैंपियन ही रही है था मुंबई इंडियंस। दोस्तों आपको बता दूं, मैं अब तक कुल 4 बार IPL का खिताब जीत चुकी है। तो इस बार ये IPL का खिताब किस टीम को हरा कर जीता है, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपको आगे बता देंगे। वैसे नंबर ऑफ ट्रम्प्स, यानी इस 2019 का जो IPL का संस्करण था उसमें नंबर ऑफ ट्रम्प्स कितने थे, तो इसमें थे 8, लीग मैच 14 है वह टोटल लीग मैच थे। द मोस्ट सक्सेसफुल टीम IPL के अभी तक की जो 12 संस्करण हो गए हैं उन सभी में जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम रही है वह कौन सी रही है, तो वह रही है दोस्तों मुंबई इंडियंस। मैंने आपको बताया कि उसने 4 टाइटल यानी 4 खिताब जीते हैं, 4 बार IPL की विजेता रही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम, तो वह रही है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के 3 टाइटल 3 खिताब वह जीत चुकी है। तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों टीमों के कैप्टन कौन है, आप हमें नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। इतने में हम अगला देखते हैं मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं अभी तक। तो अभी तक IPL के जितने भी संस्करण हो गए हैं उन सभी संस्करणों में दोस्तों सबसे ज्यादा रन है वह है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं विराट कोहली। विराट कोहली के हैं 5,412 रन हैं 2019 तक हैं इनके, 5,412 रन विराट कोहली की हैं। लेकिन जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है वो अभी तक एक भी IPL का खिताब नहीं जीत पाई है। नेक्स्ट है दोस्तों सेकेंड मोस्ट रन, तो सेकेंड मोस्ट जो सबसे ज्यादा रन है वह है सुरेश रैना के। वह दोस्तों 5,368 रन सुरेश रैना ने अभी तक IPL में बनाए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मोस्ट विकेट, यानी सबसे ज्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं। तो IPL के दोस्तों जो अभी तक 12 सीजन हुए हैं उन सभी 12 सीजनों में लसित मलिंगा, जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं लसित मलिंगा, मुंबई इंडियंस की तरफ से बॉलिंग करते हैं, इन्होंने दोस्तों 170 विकेट अभी तक हाल ही में 12 संस्करणों में लिए हैं। तो सेकंड मोस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो सेकंड जो मोस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं ये हैं अमित मिश्रा, जिन्होंने 157 विकेट लिए हैं
2019 के आईपीएल तक। तो सबसे ज़्यादा जो छक्के लगाए हैं सिक्सेज हैं, मैक्सिमम सिक्स, ये किस खिलाड़ी लगाए हैं? तो ये लगाए हैं दोस्तों क्रिस गेल ने। तो क्रिस गेल ने टोटल कितने सिक्स लगाए हैं? 326 सिक्स लगाए हैं। यदि आप आईपीएल देखते हैं, आईपीएल में इंटरेस्ट रहा है, तो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। जितनी देर ग्राउंड पर रहते हैं तो चौके छक्के ही इनके बल्ले से निकलते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों एक नज़र आईपीएल 2019 के सीजन 12 पर। तो ये अपने ऊपर चर्चा की, ये थी अभी तक जो पहले संस्करण से लेकर 12वीं संस्करण तक जो आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं, सबसे ज़्यादा रन किसके हैं, कितनी बार विजेता मुंबई इंडियंस रही है, तथा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अभी तक कोई खिताब नहीं जीता है, तथा चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार खिताब जीता है, ये चर्चा हमने ऊपर की। अब देखते हैं दोस्तों आईपीएल 2019 के सीजन 12 में के बारे में देखते हैं। तो सबसे अधिक रन यानी मोस्ट जो रन बनाए हैं वह किसने बनाए हैं? तो वह आईपीएल 2019 में दोस्तों डेविड वार्नर ने बनाए हैं। तो डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने दोस्तों 692 रन इस आईपीएल में 2019 में बनाए हैं। तो ऑरेंज कैप के हकदार भी कौन है? ऑरेंज कैप के हकदार हैं डेविड वार्नर आईपीएल 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे अधिक विकेट, तो सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं? तो सबसे अधिक विकेट लेता है उसको दोस्तों पर्पल कैप दी जाती है। तो पर्पल कैप इस आईपीएल में किसके पास थी? तो वह थी दोस्तों इमरान ताहिर के पास। तो इमरान ताहिर हैं ये दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर हैं। तो इन्होंने दोस्तों इस सीजन में यानी 12वें सीजन में टोटल 26 विकेट लिए हैं। वैसे दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? लसित मलिंगा थे। सभी आईपीएलों में देखा जाए, यदि इस आईपीएल की बात की जाए तो इसमें 26 विकेट लेने के साथ में इमरान ताहिर हैं वह टॉप पर हैं। अगला देखते हैं सबसे अधिक छक्के लगाने वाले, तो टोटल आईपीएल में देखा जाए तो क्रिस गेल हैं और इस आईपीएल में 2019 में देखा जाए तो आंद्रे रसल हैं, जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं। 52 सिक्स लगाकर सबसे अधिक सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों आईपीएल सीजन 2019 में जो सीजन हुआ है, आईपीएल सीजन का 12वां संस्करण हुआ है, इसमें शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन कौन है, यानी किस किस बल्लेबाज ने शतक लगाए हैं? तो इनमें दोस्तों जो शतक लगाए हैं वह है डेविड वार्नर सनराइज हैदराबाद की तरफ से, अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, संजू सैमसन दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से, केएल राहुल किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से, तथा जॉनी ब्रेस्टो जिन्होंने सर्वाधिक रन इस आईपीएल में शतक में मारे हैं वह हैं दोस्तों एक ही पारी में सबसे अधिक रन मारने वाले का रिकॉर्ड भी सनराइज हैदराबाद के नाम है, जॉनी ब्रेस्टो के नाम है, जिन्होंने 114 रन बनाए थे। तो ये जानकारी थी सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की जानकारी। अगला देखते हैं दोस्तों आईपीएल 2019 का अवार्ड, तो आईपीएल 2019 का जो अवार्ड है वह अवार्ड किसे किसे दिए गए हैं? तो वह देखते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है वह दिया गया दोस्तों आंद्रे रसल को। ये कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं तुरंत वीडियो डालते ही आपको मिल सके। अब देखते हैं नेक्स्ट जानकारी, तो वह है दोस्तों नेक्स्ट जो अवार्ड है वह है सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड। तो सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड है वह भी दोस्तों आंद्रे रसल के नाम पर ही है। ये सनराइजर हैदराबाद के हैं, इन्होंने 204.81 की स्ट्राइक रेट रही है। नेक्स्ट है दोस्तों गेम चेंजर ऑफ द सीजन, यानी गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया इस बार किसे दिया गया है? तो इस बार दिया गया दोस्तों राहुल चाहर को। ये मुंबई इंडियंस के हैं जिन्हें गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है
ये दिया गया केएल राहुल को, जो किंग्स इलेवन पंजाब के प्लेयर हैं, इन्हें स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, यानी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड है यह दोस्तों शुभमन गिल को दिया गया है। अगला देखते हैं जानकारी, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कौन है, तो सबसे तेज 50 रन बनाने वाले यानी अर्धशतक लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं वह है हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 17 बॉलों में 50 रन अपने पूरे कर लिए थे, ये इसलिए आईपीएल में किए थे। तो ये जानकारी थी दोस्तों सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में। अब देखते हैं अबाउट टीम 2019, यानी 2019 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो उन टीमों के ओनर कौन है, कैप्टन कौन है, उसके कोच कौन है, उसके बारे में भी हम जानकारी देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, चेन्नई सुपर किंग्स 2019 में जो टीम थी उसके ओनर कौन है दोस्तों, तो उसके मालिक हैं चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके मालिक हैं एन श्रीनिवासन, जो MD हैं इंडिया सीमेंट के, वह चेन्नई सुपर किंग के मालिक हैं। तो ये दोस्तों जो टीम है वह कितनी बार चैंपियन रह चुकी है, तो ये दोस्तों 3 बार IPL का खिताब जीत चुकी है। कब कब जीत चुकी है, 2010 में, 2011 में, 2018 में, 3 बार ये IPL का खिताब जीत चुकी है। नेक्स्ट है कैप्टन कौन इसके, तो इसके कैप्टन है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी हैं, वह इस टीम के कैप्टन हैं। तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि यह चेन्नई सुपर किंग्स टीम है यह कितनी बार IPL के फाइनल में खेल चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्य कोच कौन है, तो CSK के मुख्य कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग, जो न्यूजीलैंड के हैं। बैटिंग कोच कौन है, तो बैटिंग कोच है दोस्तों माइकल हसी, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये CSK के बैटिंग कोच हैं। तथा बॉलिंग कोच हैं ये हैं दोस्तों लक्ष्मीपति बालाजी, ये इंडिया के हैं, तो ये इसके बॉलिंग कोच हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मुंबई इंडियंस के बारे में, तो मुंबई इंडियंस के ओनर कौन है, तो मुंबई इंडियंस के ओनर हैं दोस्तों मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं जिन्हें आप जानते होंगे। तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी है इसके मुंबई इंडियंस के ओनर हैं। इसके चैंपियन दोस्तों ये कितनी बार रह चुकी है, तो यह टीम दोस्तों 4 बार चैंपियन रह चुकी है। पहली बार 2013 में रही थी, फिर 2015 में, फिर 2017 में, और अभी 2019 में यह टीम चैंपियन रह चुकी है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि यह टीम भी कितनी बार फाइनल खेल चुकी है। नेक्स्ट है दोस्तों इस टीम के कैप्टन कौन है, तो मुंबई इंडियंस टीम है इसके कैप्टन दोस्तों है रोहित शर्मा। मुख्य कोच कौन है, तो महेला जयवर्धने, जो श्रीलंका के हैं, वह इस टीम के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैटिंग कोच कौन है इसके, तो रॉबिन सिंह हैं, वह इसके बैटिंग कोच हैं मुंबई इंडियंस के। तथा बॉलिंग कोच दोस्तों, तो शेन बॉन्ड है, ये जो न्यूजीलैंड के हैं, ये बॉलिंग कोच हैं किस टीम के, मुंबई इंडियंस के। नेक्स्ट है दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स यानी KKR 2019 है इसके ओनर कौन है, तो KKR के दोस्तों ओनर है शाहरुख खान, यानी रेड चिली इंटरटेनमेंट कंपनी के नाम से इसके ओनर कौन है, शाहरुख खान है। इसके अलावा दोस्तों जूही चावला तथा जय मेहता इसके सह मालिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये कितनी बार IPL का खिताब जीत चुकी है, दोस्तों यह 2 बार IPL का खिताब जीत चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स, एक बार 2012 में, फिर 2014 में। नेक्स्ट देखते हैं कैप्टन कौन है, तो दिनेश कार्तिक हैं इस टीम के कैप्टन। नेक्स्ट है दोस्तों मुख्य कोच कौन है, जेक कालिस हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं, वह KKR के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फास्ट बॉलिंग कोच कौन है, तो ओमकार सालवी हैं ये इसके फास्ट बॉलिंग कोच हैं। स्पिन बॉलिंग के कोच हैं कार्ल क्रोव हैं, जो इंग्लैंड के हैं, वह इस टीम के स्पिन बॉलिंग कोच हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान रॉयल्स के बारे में, तो राजस्थान रॉयल्स जो टीम है जिसके ओनर कौन है दोस्तों, उसके ओनर हैं मनोज बदाले, तो मनोज बदाले हैं ये इसके ओनर हैं। इससे पहले दोस्तों राजस्थान रॉयल्स पर बैन लग गया था, तो उस समय राजस्थान रॉयल्स के जो ओनर थे वह थे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी थे, तो अभी इसके ओनर कौन है, मनोज बदाले। कितनी बार चैंपियन रह चुकी है, तो IPL जब शुरू हुआ था तो उसका पहला संस्करण राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, तो ये एक बार अभी तक 2008 में चैंपियन रह चुके हैं। इसके वर्तमान में कप्तान कौन थे, कप्तान थे दोस्तों अजिंक्य रहाणे, पहले 8 मैचों में थे, फिर उसके बाद में स्टीव स्मिथ को 9वें मैच से
कैप्टन बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इस टीम के, राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कौन थे? तो मुख्य कोच हैं वह दोस्तों पैट्रिक एंथोनी होवार्डे, पेडी अपटोन थे, बैटिंग कोच अमोल मजुमदार थे, फास्ट बॉलिंग कोच स्टीफन जोन्स थे, तो स्पिन बॉलिंग कोच हैं वह सिराज बहुतुले थे। नेक्स्ट जानकारी देखते हैं, ये देखते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी के बारे में। तो आरसीबी दोस्तों बहुत ही मजबूत टीम आईपीएल में मानी जाती है, लेकिन ये टीम का दुर्भाग्य है कि ये टीम अभी तक एक बार भी आईपीएल की विजेता नहीं रही है। इसके बारे में जानते हैं इसके ओनर कौन है। तो इसके ओनर है दोस्तों यूनाइटेड स्पिरिट्स है, जिसके चेयरमैन है महेंद्र कुमार शर्मा, ये इसके ओनर हैं। चैंपियन कितनी बार रह चुकी है? ये दोस्तों 0 बार अभी तक चैंपियन रह चुकी है, एक बार भी इन्होंने कोई खिताब नहीं जीता है। इसके वर्तमान में कप्तान कौन थे? तो विराट कोहली हैं वह इसके कप्तान थे। तो इसके मुख्य कोच दोस्तों तो गेरी क्रिस्टेन है ये मुख्य कोच थे, तब बॉलिंग कोच थे आशीष नेहरा, ये इसके बॉलिंग कोच थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वह टीम है दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स का पहले जो नाम था वह था दिल्ली डेयर डेविल्स, जो अभी इस आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया। तो दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर है वह कौन है? तो दिल्ली कैपिटल्स के ओनर दोस्तों करण कुमार ग्रांति हैं, जो जीएमआर ग्रुप के मालिक हैं, और पर्थ जिंदल जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मालिक हैं, वह दोनों इसके दिल्ली कैपिटल्स के मालिक हैं। दिल्ली कैपिटल्स भी अभी तक दोस्तों एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है। इसके कप्तान कौन दोस्तों? कप्तान है श्रेयस अय्यर हैं वह इसके कप्तान हैं। तो मुख्य कोच कौन है? रिकी पोंटिंग है वह इसके मुख्य कोच हैं। तो फास्ट बॉलिंग कोच हैं यह जेम्स हॉप्स हैं। तो स्पिन बॉलिंग कोच हैं वह दोस्तों शेमुअल बद्री इसके स्पिन बॉलिंग कोच हैं। अगला देखते हैं सनराइज हैदराबाद के बारे में। तो सनराइजर्स हैदराबाद है, इसके ओनर कौन है, इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं दोस्तों कलानिधि मारन, जो सन ग्रुप के मालिक हैं, वह सनराइज हैदराबाद टीम के भी मालिक हैं। ये दोस्तों कितनी बार चैंपियन रह चुकी हैं? यह दोस्तों अभी तक एक बार आईपीएल के चैंपियन रह चुके हैं, कब? 2016 में। तो इसके कप्तान कौन हैं? तो केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वह इस टीम के कप्तान हैं। तो दोस्तों इसके मुख्य कोच हैं टॉम मुड्डी। बॉलिंग कोच कौन है? तो बॉलिंग कोच है मुथैया मुरलीधरन है, वह इस टीम के बॉलिंग कोच हैं। तो इतनी जानकारी दोस्तों आपने इन टीमों के बारे में बता दी। अब देखते हैं किंग्स इलेवन पंजाब टीम के बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो किंग्स इलेवन पंजाब जो टीम है उसके मालिक कौन है दोस्तों? तो उसके मालिकों के बारे में देखते हैं। तो ये केपीएच ड्रीम क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके नाम से ये रजिस्टर्ड है, यानी इसके मालिक हैं। इसके मालिक कौन कौन हैं? प्रीति जिंटा हैं, नेस वाडिया हैं, करण पोल हैं, तब मोहित बर्मन हैं, ये चार इसके सह मालिक हैं। ये टीम भी अभी तक एक बार भी दोस्तों आईपीएल नहीं जीत पाई है। इसके कैप्टन कौन है? तो आर अश्विन है वह इस टीम के कैप्टन हैं। तो इसके मुख्य कोच दोस्तों, तो मुख्य कोच हैं वह है माइकल जेम्स माइक हेरसोनसोन, ये न्यूजीलैंड के हैं, ये इसके मुख्य कोच हैं। तो इसके बैटिंग कोच हैं वह दोस्तों श्रीधरन श्रीराम हैं, ये इस टीम के बैटिंग कोच हैं। तब बॉलिंग कोच हैं वह दोस्तों रैयान हैरिस हैं, वह बॉलिंग कोच हैं। तो ये जानकारी थी दोस्तों हमारी सभी जितनी भी टीमें थीं, 8 टीमें थीं, 8 टीमों के बारे में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो इस वीडियो के बाद में दोस्तों हम दूसरा वीडियो जो अभी तुरंत ही अपलोड करने वाले हैं उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिल जाएगा। उसमें दोस्तों आईपीएल 2019 से संबंधित इस वीडियो में जितना हमने आपको बताया, तो उसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसका टेस्ट देकर आप नीचे कमेंट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आईपीएल 2019 का टेस्ट देने के लिए वीडियो के नीचे दूसरे वीडियो का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा जो लाइव टेस्ट है वह भी दें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकन घंटे का सा बना हुआ है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।